उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती के लिए आज हम लेकर आए टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और जो ये 30 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ये पूरे सिलेबस को कवर करके बनाया हुआ है। और इस प्रकार से जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने 2 टेस्टशीट डाल दिए, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि इसी प्रकार के जो प्रश्न थे वो उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती 2018 में भी पूछे गए थे, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो पहला दिया गया है यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा दिया गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा दिया गया अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और चौथा दिया गया है अनिश्चित से निश्चित निश्चित की ओर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा चौथा सही है, या फिर तीसरा जो है यानी सी ऑप्शन जो दिया गया है वो है यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, या डी ऑप्शन दिया गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सभी सही हैं। तो शिक्षण सूत्र जितने भी हैं ये आपको सभी के सभी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से हर बार जो है वो पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। तो सबसे पहले आपको शिक्षण सूत्र पता होना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र जो है वो है यहाँ पर सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान क्रम से तर्क संगत की ओर। तो ये सभी के सभी जो हैं वो शिक्षण सूत्र हैं। और आपको बता दें 2018 में भी इसी प्रकार सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो देख सकते हैं ये 2018 का पेपर है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पर ये आया हुआ था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर है, शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीक है, या फिर शिक्षण युक्ति है। तो ज्ञात से अज्ञात क्या है, तो ये है शिक्षण सूत्र। तो इस प्रकार से जो है शिक्षण सूत्र वाले जितने भी हैं वो सभी आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो पहला दिया गया माध्यम, दूसरा है प्रेषक, तीसरा है सी ऑप्शन दिया गया प्रतिपुष्टि, और डी दिया गया पुनर्बलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही है। जो पुनर्बलन है वो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो संचार यानी जो कम्युनिकेशन है या फिर जो संप्रेषण है इसका इसकी प्रक्रिया के तत्व कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन है इसके 6 तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों में देखिए कौन कौन सा है। पहला है मैसेज, दूसरा है प्रेषक, तीसरा है प्रेषक यानी सेंडर, तीसरा है माध्यम यानी मीडियम, चौथा होता है प्राप्तकर्ता जिसको रिसीवर कहते हैं, पांचवा है प्रतिपुष्टि जिसको फीडबैक कहते हैं, और छठवां है शोर यानी नॉइज। तो देख सकते हैं इस प्रकार से 6 जो है इसके तत्व होते हैं। इन 6 तत्वों को आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इन 6 तत्वों में से यहाँ पे माध्यम, प्रेषक, प्रतिपुष्टि तो है लेकिन पुनर्बलन नहीं है, इस वजह से ये आंसर यहाँ पर सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे प्रश्न हैं सभी के सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सूत्र हैं, इन सभी से यहाँ पर हमने प्रश्न बनाए हुए हैं। जितने टॉपिक हैं किसी भी टॉपिक को यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रायड दिया गया है, क्लार्क एल हल दिया गया है, या फिर मैकडोनल, या फिर मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे मैकडूगल सही दिया गया है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो 1908 में कब दिया गया था, तो 1908 में मैकडोनल के द्वारा दिया गया था। और इस नियम के अनुसार जो था मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ये इन्होंने नियम यहाँ पर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे विकास शुरू होता है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका जहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो देखिए जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होती है, और इस जो प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है ये 3
स्टेज में पूरी होती है। अब इसको हम यहाँ पे बताते हैं, पहला स्टेज जो होता है उसको कहते हैं जर्मिनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जब महिला जो है वो गर्भधारण करती है, इसमें जायगोट बनता है और जायगोट जो है वो कुछ समय के बाद गर्भाशय में पहुँचता है और इसके बाद जो है वो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान जो है वो माइटोसिस की प्रोसेस होती है और उसके बाद सेल डिवीजन होता है, जिससे बच्चे का निर्माण का जो पहला चरण है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा जो स्टेज आता है वो आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसमें जो है भ्रूण जो है यानी जो एम्ब्रियो है वो विकसित होता है और इस समय जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का विकास का जो पहला चरण है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। जो तीसरा स्टेज जो यहाँ पर है वो है फीटल स्टेज। ये जो स्टेज है ये 9वें महीने से स्टार्ट होता है, 9वें सप्ताह से शुरू होता है और इसमें जो है एम्ब्रियो का विकास का जो चरण है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है और उसको फीटस स्टेज कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यानी 9वें सप्ताह से लेकर के डिलीवरी तक होने के में जितने भी विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसको फीटल स्टेज कहते हैं और इसमें बच्चे के अंग विकसित होते हैं, हाइट वजन ये सब बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रसव पूर्व की जो अवस्था है विकास की, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज है। तो इस प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया है वो कब शुरू हो जाती है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्थीमिया है। तो डिस्थीमिया क्या है, तो गंभीर तनाव की अवस्था है, पठन विकार है, शब्द जमलिंग विकार है या फिर लेखन विकार है। तो डिस्थीमिया जो है वो गंभीर तनाव की अवस्था है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है डिस्थीमिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिसग्राफिया की बात करें तो लिखने में जब असमर्थ होता है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया की बात करें तो पठन संबंधी अगर विकास विकार उत्पन्न होता है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे अगर बी को वो डी पढ़ लेता है, उसमें विभेद नहीं कर पाता, तो उस प्रकार से पठन संबंधी जो विकार होता है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये आपको पता हो जाए, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या फिर सीखने से, तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है सीखने से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो पुरस्कार दिया गया, संवाद दिया गया, व्याख्यान दिया गया है या फिर डी दिया गया निर्देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चों की गतिविधि में सीखने के लिए सक्षम बनाती है वो है संवाद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला दिया गया है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या। तो देखिए जो थिंकिंग है, जो यानी चिंतन है, उसको प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले समस्या होनी चाहिए यानी प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी जो है वो थिंकिंग प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो पहला दिया गया है यहाँ पे नैतिक विकास, दूसरा है यहाँ पे शारीरिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास या फिर चौथा यानी डी ऑप्शन दिया गया है मानसिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो यहाँ पे डी सही दिया गया है, मानसिक विकास। नेक्स्ट यहाँ पे एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। तो पहला दिया गया समावेशी, एकीकृत, विशेष या फिर नियमित। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया है, समावेशी। और देखिए इसके साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एनसीएफ 2005 का सूत्र या फिर थीम क्या है। तो इसका जो थीम या फिर जो सूत्र कहें तो वह है लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके साथ ही याद रखिए कि जो एनसीएफ 2005 है इसका जो प्रारंभ होता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निबंध जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि उनके निबंध का नाम क्या था, तो सभ्यता और प्रगति से ही जो है वो एनसीएफ की शुरुआत हुई थी। और प्रोफेसर जो यशपाल हैं उनकी अध्यक्षता में ही एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो न्यूनतम अगर हम बात करें तो कितने घंटे जो हैं वो सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, 45 घंटे। नेक्स्ट यहाँ पे जब सीखने की क्रिया से बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे कहते हैं। तो
देखिए, अगर जब सीखने की क्रिया में अगर बिल्कुल भी अगर उन्नति नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है वक्र पठार त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, पठार। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिगम यानी जो सीखने का जो वक्र है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे होता है सरल रेखीय वक्र, जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसे सरल वक्र कहते हैं। इसके बाद आता है उन्तोदर। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र है और फिर धीरे धीरे मंद हो जाती है। नतोदर यानी इसकी बात करें हम कॉन्वेक्स कॉनकेव भी कहते हैं इनको। तो इसमें नतोदर की बात करें तो इसमें आरंभ में सीखने की गति मंद हो जाती है और बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। इसके बाद जो चौथा है वो है मिश्र वक्र, इसमें उन्तोदर व नतोदर का मिला जुला रूप होता है, यानी कभी इसमें थोड़ा सीखने की गति ज़्यादा होगी फिर कभी कम होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखा कि अधिगम का पठार जब सीखने की गति रुक जाती है तो उसे उन्नति नहीं होती या फिर अवनति नहीं होती तो उसे अधिगम का पठार यानी फेट्यू कहते हैं। जब सीखने की जो गति है अगर वो रुक जाती है तो उसे ही पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? तो यहाँ पे देख केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर लागू नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही दिया गया, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गोलिज्म होती है तो मानसिक रोग है, समस्यात्मक बालक है या फिर किशोरापराध है या मंदबुद्धि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया, मंदबुद्धि को। मंदबुद्धि के लिए गोलिज्म शब्द का यूज किया जाता है। तो गोलिज्म जो होता है वो किसकी किस में होता है? तो मंदबुद्धि बालकों में। नेक्स्ट यहाँ पे व्यक्तित्व के निर्माण में किसका अधिक महत्व होता है? तो शिक्षण दिया गया है, अधिगम दिया गया, स्मृति दिया गया और प्रतिमान दिया गया है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो किसका होता है? तो वो है प्रतिमान का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है, टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या फिर ब्लैक बोर्ड। तो नवाचारी जो यहाँ पर स्रोत जो है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया, इंटरनेट। नेक्स्ट यहाँ पे जब सीखने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्रथम साधन है जिसके द्वारा ईगो यानी ईड पर आच्छाद रखता है या कहलाता है। तो सुपर ईगो है, आमोद, सिद्धांत, द्वंद या फिर दबाव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में 12 पूछा जाता है ईगो, सुपर ईगो, ये वाला आप जरूर पढ़ लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया है, दबाव। नेक्स्ट यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान में कितने सोपान होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च के कितने सोपान होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही दिया गया, 7 सोपान होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो जांच सूची दिया गया है, निरीक्षण, संचयी आलेख या फिर रेटिंग स्कूल। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो मूल्यांकन प्रविधि का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है निरीक्षण का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञात करने की विधियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें देखिए इसमें बुद्धि परीक्षण भी है, व्यक्ति का व्यक्ति इतिहास विधि भी है, रुचि परीक्षण भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डाल्टन प्रणाली अथवा प्रयोगशाला प्लान की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो डाल्टन प्रणाली का जो है या फिर इसको प्रयोगशाला प्लान भी कहते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे मॉन्टेसरी दिया गया, किंडन गार्डन दिया गया, डीवी दिया गया, जॉन डीवी या पार्क हर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया, पार्क हर्स्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कक्षा 3 विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका होगा? तो व्याख्यान विधि दिया गया, सृजनात्मक क्रियाकलाप दिया गया, समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगशाला विधि। अब देखिए यहाँ पे कक्षा 3 की बात पूछी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके लिए जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं इनके लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप जो है वो शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में छात्र के लिए किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही दिया गया है, अधूरा गृह कार्य। नेक्स्ट यहाँ पे श्रव्य दृश्य साधन है तो श्रव्य दृश्य साधन यहाँ पर कौन सा होगा? तो वो है यहाँ पर जो श्रव्य और दृश्य दोनों में यूज होता है वो है
चलचित्र, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नियम से उदाहरण की ओर जो है वो है निगमन विधि में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है, तो पाठ्यक्रम जो है वो किस चर में आता है, तो वो है मध्यस्थ चर में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग नहीं है, नहीं बोला गया है यहाँ पे, तो शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन है, शिक्षण अधिगम अनुभव, तो नहीं जो है वो है शिक्षण अनुभव, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, तो दो दिया गया है, तीन चार पाँच, तो मूल्यांकन के जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं, तो होते हैं पाँच सोपान होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, तो बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो हैं स्टर्न। तो देखिए इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं, तो इससे पहले हमने दो पार्ट डाल दिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो सभी के सभी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।